नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं खरपतवार नाशी, जिसमें आज बायो खरपतवार नाशी के बारे में बात करते हैं। बायो खरपतवार नाशी, बायो खरपतवार नाशी भी जो क्या है, जैविक रूप से तैयार की जाने वाली खरपतवार नाशी, जिससे क्या है अपने आसानी से पौधों को खत्म कर सकते हैं। तो बायो जैविक, बायो या जैविक, इसमें सबसे पहले आते हैं अभी डिवाइन, डिवाइन खरपतवार नाशी, ये जैविक है भी। क्या ये जैविक, जैविक खरपतवार नाशी है, ठीक है। डिवाइन इसका प्रयोग सबसे पहले 1980 के अंदर, 1980 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम है भी माइको के, यूएसए में, इसको किसने किया था, यूएसए की एक कंपनी में किया था, यूएसए की कंपनी ने डिवाइन को तैयार किया था, जो क्या है एक बायो खरपतवार है नासी है। उसके बाद आता है भी ये जो कवक से तैयार की जाती है डिवाइन, किसे तैयार की जाती है, कवक से, ये कवक के द्वारा खरपतवार नाश तैयार की जाती है। जो कवक होता है उस कवक से अपने क्या है तैयार करके उसको क्या है जो खरपतवार है उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इस करक कवक का नाम होता है, भी कवक का जो नाम है वह फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा, फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा, फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा। कवक का नाम क्या है, फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा। जो ये कवक है, इस कवक से क्या नाम है उस बायो खरपतवार नाशी का, डिवाइन। तो ये जो डिवाइन है ये इंपॉर्टेंट है भी। 1980 के अंदर यूएसए में इसको तैयार किया गया था, और किस ये कवक से तैयार की गई है, डिवाइन कवक के द्वारा तैयार की गई, और उस कवक का नाम है भी फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा, फाइटोप्थेरा प्लमीबोरा के नाम से वो जानी जाती है। उसके बाद है भी आपका पोलिगो, ये थी पहली अपनी। उसके बाद दूसरी जो कवकनाशी है वो है भी कोलिगो, 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 ये भी क्या है भी कवक के द्वारा तैयार की जाती है भी, ये भी क्या है कवक के द्वारा तैयार की गई है भी, कवक के द्वारा तैयार की गई है खरपतवार नाशी है कोलिगो। तो इस कवक का जो नाम है वो है भी आपके कोलियोट्रिकम, कोलियोट्रिकम, कोलियोट्रिकम स्पीशीज है भी, कोलियो ट्री कम स्पीशीज से तैयार की गई है कोलिगो। तो पूछा जाता है भी कोलिगो क्या है, कि हर्बिसाइड है, और ये हर्बिसाइड है वो कौन सी है भी, बायो हर्बिसाइड है, क्या है ये के बायो हर्बिसाइड है, उसका नाम है कोलिगो, और कवक से तैयार की गई है, कोलियो ट्रिकम नामक है कवक से तैयार की गई है। उसके बाद है बायोमोल, बायोमोल तीसरी है, बायोमोल, बायोमोल ये भी कवक के द्वारा तैयार की गई है, ये भी क्या है कवक के द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद आता है भी बायो लारिस, चौथी आपकी बायो लारिस, बायो लारिस चौथी क्या है भी आपकी बायो लारिस, ये भी कवक के द्वारा, कवक के द्वारा तैयार की गई कवक आपकी हर्बिसाइड है, ठीक है। तो उसके बाद आपके
एक ये थे भी आपके बायो खरपतवार नाशी, कुछ इंपॉर्टेंट और है खरपतवारों के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डिवाइन है, डिवाइन जो खरपतवार नाशी है, एक जैविक खरपतवार नाशी है जो 1980 में यूएसए में इसका प्रयोग किया था। इस ये डिवाइन कवक के द्वारा तैयार की गई है और जो कवक का नाम है फाइटोफ्थेरा पाल्मी मोरा जो कवक है भी, और ओलिगो, ओलिगो भी क्या है कि बायो खरपतवार नाशी है, ये भी कवक के द्वारा तैयार की गई है, ओलियोट्रिकम स्पीशीज से है भी, और बायोमोर है ये भी कवक के द्वारा तैयार की जाती है, और बायोलारिस है, बायोलारिस ये भी कवक के द्वारा तैयार की जाती है। प्रश्न आता है तो वो ये ऐसे आता है भी निम्न में से बायो खरपतवार नाशी कौन सी है भी, तो चार है अपनी, चारों चारों को डिवाइन, ओलिगो, बायोमोर और बायोलारिस, ये आपको याद है रखनी है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है इस बार जेट आपके सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन इसका मिल जाएगी। अब कुछ इंपोर्टेंट और है इसके, उसके बारे में बताता हूं मैं। एलियन वीड, एलियन वीड कौन सा होता है भाई, बताओगे कोई? एलियन वीड, तो एलियन वीड है वो होता है भी कांग्रेस ग्रास, एलियन वीड, एलियन वीड किसको कहते हैं भी, कांग्रेस ग्रास होता है उसको कहते हैं भी एलियन वीड, कांग्रेस घास, कांग्रेस है घास को कहते हैं, किसको कहते हैं, कांग्रेस है घास को, किस नाम से जाना जाता है भी, ओलियन एलियन वीड के नाम से जाना जाता है भी। आत्मघाती अंकुरण किसका होता है भी, आत्मघाती अंकुरण, आत्म घाती अंकुरण, आत्मघाती अंकुरण किसका होता है भी, आत्मघाती अंकुरण होता है वो स्ट्राइगा का होता है भी, स्ट्राइगा। तो मैंने फिर आपसे पूछा था भी स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है भी, स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है भी, टोटल रूट पैरासाइट, भी पूर्ण जड़ परजीवी है या अर्ध जड़ परजीवी है या पूर्ण तना परजीवी है या अर्ध तना परजीवी है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना भी। उसके बाद आता है खरपतवारों का राजा, खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं भी, खरपतवारों का राजा, तो खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं, कौन सा खरपतवार होता है जो खरपतवारों का राजा कहलाता है भी, तो कांग्रेस ग्रास ही कहलाता है भी, कांग्रेस घास या कांग्रेस ग्रास, खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं, कांग्रेस ग्रास को कहते हैं भी, जो कांग्रेस ग्रास होता है उसे खरपतवारों का राजा कहते हैं। और फर्टिलाइजर का यूरिया, फर्टिलाइजर का राजा किसे कहते हैं, उर्वरक का राजा, उर्वरक का राजा कहलाता है भी आपका यूरिया, उर्वरक का राजा क्या कहलाता है, यूरिया। उसके बाद आता भी आपके कांग्रेस घास की पत्तियों की रस से कीटनाशी बनाया जाता है भी, ये कांग्रेस घास है इसकी पत्तियों से, कांग्रेस घास की पत्तियों से कीटनाशी बनाई जाती है, याद रखना भी जो कांग्रेस घास है इससे क्या है भी, आपके कीटनाशी क्या है बनाया जाता है भी, कीटनाशी बनाई जाती है। उसके बाद अपने एक नया छोटा सा टॉपिक करते हैं, उसमें क्या है भी जो अपने ये विदेशों से जो खरपतवार अपने लेके आए थे, जैसे लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, तो जो लेंटाना कैमरा था इसके लिए आपके क्या लेके आए थे भी, कौन सा कीट लेके आए थे जिससे वो क्या है भी वो नियंत्रण हो गया, जैविक नियंत्रण अपने नेचुरल नियंत्रण उसका कर सकते हैं भी, वो था भी लेंटाना क्रिसो, क्रिसो डोसीमा, क्रिसो, क्रिसो डो सीमा, क्रिसो डो सीमा
नाम का एक कीट था भी, क्रिसोडोसीमा लेंटाना। क्या नाम था? क्रिसोडोसीमा लेंटाना, लेंटाना। तो ये जो कीट था, इस कीट से लेंटाना कैमरा नामक घास को क्या है सबसे पहले कंट्रोल किया था भी 1920 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले खरपतवार जो किया था 1920 में, इसको कब किया था? 1920 के अंदर सबसे पहले हवाई द्वीप के अंदर। कहां? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर क्या इसको कंट्रोल किया था भी। और ये लेके कहां से आए थे भी? मेक्सिको से लेके आए थे। मेक्सिको कहां से लेकर आए थे इसको? मेक्सिको से लेकर आए थे। किसको? ये मित्र कीट है भी। ये कौन सा है? मित्र कीट, मित्र कीट। लेंटाना कैमरा घास है, खरपतवार है, इसके लिए मित्र कीट लेके आए थे भी। क्रोस क्रिसोडोसीमा लेंटाना एक मित्र कीट था। 1920 के अंदर सबसे पहले हवाई द्वीप में लेंटाना कैमरा का क्या है नियंत्रण किया, और बाद में इसको भारत में लेके मेक्सिको से लेकर आए थे भी। ठीक है, मेक्सिको से अपने क्या है भारत में लेकर आए थे और इस वीड को खत्म किया था भी। उसके बाद आता है जलकुंभी। दूसरा क्या नाम है भी? जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी। ये एक है अपने देश के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या है भी, नहरों के अंदर है ये क्या है? बहुत ज्यादा आती है। इसको अपने केली कहते हैं भी। निकोटियाना, निकोटियाना ब्रुची नामक कीट लेके आए थे। निकोटियाना, निकोटियाना ब्रुची, निकोटियाना ब्रुची नामक कीट लेके आए थे यूएसए से। यूएसए से कहां से लेकर आए थे? यूएसए से, निकोटियाना ब्रुची। तो जलकुंभी की कंट्रोल के लिए क्या है अपने निकोटियाना ब्रुची मित्र कीट लेके आए थे यूएसए से। कहां से लेकर आए थे? यूएसए से, निकोटियाना ब्रुची। उसके बाद आता है भी गाजर घास, जो कांग्रेस घास होता है। ठीक है, गाजर घास, गाजर घास ओब्लिक कांग्रेस घास। तो ये जो गाजर घास है, इसके लिए जाइगो जाइगोग्रामा बाइकल राटा लेके आए थे भी। बाइकल राटा, जाइकोग्रामा बाइकल राटा, बाइकल राटा या बाइकल राटा या बाइकल राटा, ये लेके आए थे अपने गाजर घास के लिए। जो गाजर घास है उसके लिए या कांग्रेस घास के लिए कौन सा कीट लेके आए थे? जाइगोग्रामा बाइकल राटा, ये लेके आए थे मेक्सिको से लेकर आए थे भी। मेक्सिको कहां से लेकर आए थे? मेक्सिको से इसको लेकर आए थे भी। ठीक है, उसके बाद आता है भी नागफनी। नागफनी, ये जो नागफनी है, नागफनी के लिए अपने क्या है जो मित्र कीट लेके आए थे वो है भी डेक्टाइलोपियस इंडिकस और एक था भी डेक्टाइलोपियस टोमन टोसस। ये दोनों लेके आए थे भी श्रीलंका से, श्रीलंका। ये दोनों कहां से लेकर आए थे? श्रीलंका से अपने लेके आए थे भी। देखो
अभी थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आज अपने क्या है खरपतवार नासी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अभी खरपतवार जो टॉपिक है वो लगभग क्या है कंप्लीट होने वाला है। एलियन वीड कौन सा कहलाता है भी? एलियन वीड तो कांग्रेस घास कहलाता है। एलियन वीड कौन सा कहलाता है? कांग्रेस घास कहलाता है। आत्मघाती जो अंकुरण होता है वो किसका होता है? स्ट्राइकर होता है। खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं भी? कांग्रेस घास को कहते हैं। कांग्रेस घास की पत्तियों से कीटनाशी बनाई जाती है भी। कांग्रेस घास से कीटनाशी से पत्तियां बनाई जाती है। लेंटाना कैमरा है इसका जो मित्र कीट है, लेंटाना कैमरा को खत्म करने वाला कीट है वो है भी क्रिसोडोसीमा लेंटाना। क्रिसोडोसीमा लेंटाना और जो कहां से लेकर आए थे? मेक्सिको से लेकर आए थे। लेंटाना का सबसे पहले नियंत्रण कहां हुआ था भी? 1920 के अंदर हवाई द्वीप के अंदर किया गया था भी। लेंटाना कैमरा जो घास है उसका जो नियंत्रण है वो सबसे पहले कहां हुआ था? 1920 में हवाई द्वीप में हुआ था। उसके बाद जलकुंभी, जलकुंभी के नियंत्रण के लिए क्या करके लेके आए थे? निकोटियाना ब्रुची, निकोटियाना ब्रुची। उसके बाद गाजर घास या कांग्रेस घास इसको जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो कीट था उसको लेके आए और वो लेके आए थे अपने इंडिया के अंदर मेक्सिको से। उसके बाद जो नागफनी है इसके लिए डेक्टाइलोपियस इंडिकस और डेक्टाइलोपियस है टोमन टोरस है। इसको द्वारा लिख लेता हूं भी डेक्टाइलो, डेक्टाइलो पीएस है, डेक्टाइलो पीएस है टोमन टोरस है। ये श्रीलंका से अपने लेके आए थे भी। तो आज अपने वीड का जो टॉपिक है पूरा होता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो और वीडियो को देखने बाद कमेंट जरूर करना न भूले। धन्यवाद।